क्या आप इंटरनेट का नया कनेक्शन लेने जा रहे हैं? क्या आप कंफ्यूज हैं कि आपको किस टाइप की स्पीड मिलने वाली है? क्या आप डाउट में हैं कि आपको पता नहीं जो स्पीड आप चाहते हैं, जो एक्सेस स्पीड चाहते हैं, वो आपको मिलेगा या नहीं? तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। अभी सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल टेक्निकल ज्ञान A to Z और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो मिले सबसे पहले आपको। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि इंटरनेट एक ऐसी चीज बन चुकी है, एक ऐसा जरिया बन चुका है जिसके द्वारा आप दुनिया से जुड़ते हैं। पर इंटरनेट के बारे में कई लोग के मन में एक भ्रम टाइप का है कि इंटरनेट का जो स्पीड है वो स्पीड एक्चुअल में होता क्या है। ज्यादातर लोग तो इसी बीच में कंफ्यूज रहते हैं कि जब ओखला की साइट पर इंटरनेट स्पीड टेस्ट करते हैं तो उन्हें 100 Mbps होता है, और जब वो कोई चीज डाउनलोड करते हैं, कोई फाइल डाउनलोड करते हैं या फिर अपलोड करते हैं, तो ऐसे में उनको 2 से 3 Mbps तक की स्पीड मिलती है। तो कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर में उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। आज कहूँ तो इंटरनेट में दो टाइप के स्पीड होते हैं। सबसे पहला स्पीड होता है सर्फिंग स्पीड, दूसरा होता है डाउनलोड स्पीड, जिसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं डेटा ट्रांसफर रेट स्पीड। तो इन दोनों में बहुत ही फर्क होता है। जब डिफरेंट है, जनरली लोग इसी सिलसिले में ज़्यादा कन्फ्यूज रहते हैं कि हम किस टाइप का इंटरनेट लें, किस टाइप का। तो हम आज यही बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं सर्फिंग स्पीड के बारे में। सर्फिंग स्पीड जनरली कुछ ऐसा होता है कि हमारा जो भी वेब पेज ओपन होता है वो सर्फिंग स्पीड के अकॉर्डिंग एक्सेस होता है, जिसमें हम मान लीजिए गूगल की साइट को एक्सेस कर रहे हैं, यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं एंड अदर एक्सेट्रा, फेसबुक वगैरह चला रहे हैं। तो इसमें जनरली सर्फिंग स्पीड मायने रखती है। ज़्यादातर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो हैं वो जब भी इंटरनेट कनेक्शन देते हैं तो सर्फिंग स्पीड के अकॉर्डिंग देते हैं। अगर जो आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो मोबाइल पे आप प्ले स्टोर से जाके स्पीड टेस्ट नाम का एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं। साथ ही इसको आप लैपटॉप पे ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। स्पीड टेस्ट जैसे टाइप करेंगे, ओखला की एक साइट आएगी और ओखला की साइट से आप इसको अच्छी तरह से चेक कर पाएंगे। ओखला की साइट जनरली जो हमारा स्पीड होता है जो कि सर्फिंग स्पीड है, तो ओखला की साइट सर्फिंग स्पीड को शो करती है। और जब कस्टमर कोई इंटरनेट यूज़ करता है तो उसके नोटिफिकेशन बार में जो स्पीड आती है वो होती है डेटा ट्रांसफर रेट स्पीड। तो जब भी आप इंटरनेट कनेक्शन लेने जा रहे हो तो कुछ खास बातों का विशेष ध्यान रखें। सबसे पहले तो उसको स्पीड के बारे में क्लियर कर लें कि उसको स्पीड किस टाइप की मिलने वाली है। जो भी आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है उससे पूछ लें कि आप सर्फिंग स्पीड कितनी दे रहे हैं और उसमें हमको डाउनलोडिंग स्पीड कितनी मिलेगी। आप ये क्लियर कर लें कि जो डेटा ट्रांसफर स्पीड जो कि Mbps यूनिट में नापते हैं, तो वो जो Mbps है वो पूरा का पूरा कैपिटल लेटर में है Mbps, या फिर सिर्फ M कैपिटल है बाकी BPS छोटा है। इन केसेस में ये फर्क आता है कि अगर मान लीजिए कि आपका M बड़ा है और BPS छोटा है, इस कंडीशन में क्या होता है कि सपोज मान लीजिए कि आपको 100 Mbps की स्पीड मिल रही है, तो इस Mbps का जो फुल फॉर्म होता है मेगाबिट पर सेकेंड होता है, और इस टाइप के नेटवर्क स्पीड में जो आपको डाउनलोडिंग स्पीड मिलेगी वो एटलीस्ट उसे 3 से 4 मैक्सिमम 5 Mbps तक हो जाती है। जो मान लीजिए आपको 100 Mbps का स्पीड दे रहे हैं, तो ऐसे में अगर जो आप उसको 8 से डिवाइड कर देंगे तो आपका डेटा ट्रांसफर रेट स्पीड क्लियर हो जाएगा। आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर जो आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो, थोड़ा सा भी आपका डाउट क्लियर हो, तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में जाके बताएं कि अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, और अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में इस वीडियो को शेयर जरूर करें। व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि इंडिया में टेक्नोलॉजी का विकास हो सके।